कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पे आप सिंपल प्यूरी कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हम सब फ्रूट्स यूज़ करेंगे, स्ट्रॉबेरीज, ये रसबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सब के सब दे आर रिच इन ऑक्सीडेंट्स और इनमें वाइटामिन एंड मिनरल्स सब भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, अपने हिसाब से आप ब्लूबेरीज ले सकते हैं, रसबेरीज, कैरेट्स, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज। आप कोई भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आपके बच्चे के टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा स्वीट डालने के लिए, स्वीटनेस लाने के लिए मैं एक डेढ़ डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें ये प्यूरी में थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाता है जो कि बच्चों को पसंद आता है। तो शुरू करते हैं इस प्यूरी बनाने के मेथड को। मेक श्योर आप सभी के सभी फ्रूट्स जो भी आप यूज़ करने वाले हैं उसको अच्छे से वॉश कर लें, इसको एप्पल को पील कर लें एंड इन बाकी सब फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लें। नीड वाटर। तो यहाँ पे गाइस मैंने एप्पल को पील कर लिया है एंड एक बार फिर से वॉश कर लिया है उसको अच्छे से एंड अभी अब इसमें स्लाइस डालना शुरू कर देंगे। इट्स अप टू यू कि अगर इस ब्लूबेरीज और रसबेरीज आपको ऐसे ही डालना है, कुछ एक साथ डालना है, बिकॉज मैं एक साथ सब कुछ इसलिए डाल देती हूँ ताकि सबका जो टेस्ट है वो एकदम मिक्स हो जाए। इन सबको ब्लेंड कर लेंगे इन अ वेरी फाइन प्यूरी। कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप अपने हिसाब से, इसको ज़्यादा थिक या थोड़ा पतला कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आई थिंक माई बेबी विल लव दिस। एंड आप थोड़ी देर इसको कूल डाउन होने के लिए रख सकते हो, चाहो तो इसको विद इन 1 to 2 days में, 1 to 2 दिन आप इसको फ्रीज़र में अच्छे से बंद करके रख सकते हो एंड अपने बेबी को फीड कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।